हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग फीटर ट्रेड का चैप्टर वाइज सेट का डिस्कशन करेंगे, जो कटिंग टूल्स में चीजल का केवल डिस्कशन करेंगे। वह चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और मैं बता दूं फीटर में टोटल 6000 चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और 2000 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, अभी और आपको बन रहा है। अगर यह सेट PDF के रूप में चाहिए तो 7725899110 पर व्हाट्सएप से कनेक्ट करके आप अपना नाम, ट्रेड और कहाँ के रहने वाले भेजिए, या कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करिए, मैं आपको ये PDF के रूप में प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए देर न करते हैं आगे की ओर पढ़ते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चीजल किस प्रकार का कटिंग टूल है? तो चीजल जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। एक से अधिक अगर कटिंग एज की संख्या हो तो वह मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। तो चीजल में एक ही प्रकार के होते हैं, वह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है, 1A। 2 नंबर क्वेश्चन है, चीजल सामान्यतः किसका बना होता है? तो चीजल सामान्यतः हाई कार्बन स्टील का बना होता है, 2A। 3 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा, चीजल के किस भाग को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है? तो चीजल के किस भाग को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है? तो कटिंग पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, 3A होगा। 4, चीजल का माप किसके द्वारा ली जाती है? तो कट बॉडी की लंबाई से, हेड की चौड़ाई से, कटिंग एज की लंबाई से। अगर ये कि चीजल का माप कह रहा है तो वो चीजल का जो माप होगा या साइज लिया जाता है वो बॉडी की लंबाई से ही लिया जाता है, कटिंग एज की लंबाई से माप नहीं लिया जाता है। कटिंग एज की लंबाई आपको अलग टॉपिक है, यानी कि 4A होगा। 5, निम्न में से कौन चीजल का पार्ट नहीं है? कटिंग पॉइंट, बॉडी, हेड, टैंग नहीं है। टैंग आपको फाइल में होता है, 5D। 6 नंबर, निम्न में से कौन चीजल का प्रकार नहीं है? तो राउंड चीजल होता है, क्रॉस कट चीजल होता है, बुल नोज चीजल नहीं होता है, यह स्क्रैपर होता है, बुल नोज स्क्रैपर होता है, अर्थात 6C होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, था सामान्यतः उपयोग होने वाला चीजल कौन सा है? तो सामान्य रूप से जो उपयोग होता है चीजल वह फ्लैट चीजल कहलाता है, 7A होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, की वे बनाने के लिए कौन से चीजल का उपयोग करते हैं? की वे बनाने के लिए कौन सा, तो क्रॉस कट चीजल का उपयोग करते हैं, 8B होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायल ग्रूफ बनाने के लिए आप कौन सा चीजल का उपयोग करेंगे? वायल ग्रूफ बनाने के लिए कौन से चीजल का प्रयोग करेंगे? तो हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करेंगे, 9C होगा। 10 नंबर अगर देखिएगा, तो डायमंड पॉइंट चीजल का सही उपयोग क्या है? डायमंड पॉइंट चीजल का सही उपयोग क्या, तो कॉर्नर को साफ करने में ही इसका प्रयोग किया जाता है, सही उपयोग आपको यही है, 10C। 11 अगर देखिएगा, तो आपको कह रहा है चेन ड्रिलिंग के बीच का मटेरियल उड़ाने के लिए आप किस चीजल का उपयोग करेंगे? तो आपको वेव चीजल का प्रयोग किया जाता है, चेन ड्रिलिंग यानी कि लगातार ड्रिलिंग जो किया हुआ रहता है और बीच में कुछ मटेरियल बच जाता है उसको उड़ाने के लिए वेव चीजल का प्रयोग करते हैं, 11D। 12, कठोर धातुओं को काटने के लिए चीजल का कटिंग क्या होता है? कठोर धातुओं को काटने के लिए चीजल का कटिंग अधिक होता है, यानी कि कटिंग एज अधिक हार्ड रखेंगे, 12B होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साधारण कार्यों के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? साधारण कार्यों के लिए चीजल का कटिंग एंगल 60° होता है, 60° होता है, 13B। 14, जब क्लीयरेंस एंगल 0 होगा तो क्या होगा? क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन को पढ़िए, चीजल के मटेरियल में पेनिट्रेट नहीं करेगा, आगे पढ़ते हैं, चीजल मटेरियल में सीधा पेनिट्रेट करेगा, आगे पढ़िए, चिपिंग क्रिया होगी, और डी में है सभी, तो चीजल मटेरियल में पेनिट्रेट नहीं करेगा, 14A ही आंसर होगा। 15,
चिपिंग क्रिया करते समय कम से कम कितने लंबाई का चीजल का उपयोग करना चाहिए? तो आपको 150 mm का चीजल प्रयोग करना चाहिए। चिपिंग करते समय 150 mm चीजल का प्रयोग करना चाहिए। 16 चिपिंग के बारे में क्या सत्य नहीं है? 16 नंबर क्वेश्चन पर ये चिपिंग के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो 16 का सी होगा, चिपिंग करते समय चश्मा नहीं पहनना चाहिए। यह सत्य नहीं है, पहनना चाहिए, ठीक है। यह गलत है, तो गलत ही चुनने के लिए बोल रहा था कि यह सत्य नहीं, यानी गलत को चुना, सत्य को चुनना। 16 का सी होगा। 17 किसी चीजल का पॉइंट एंगल 60 डिग्री और क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री, तो रेक एंगल का मान क्या हो? मैं बता दूं, तीनों का मान आपको 90 डिग्री होता है, तो यह दोनों का जोड़ दीजिए और 90 में से घटा देते, 60 और 10 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 90 में से 70 घटाएगा तो 20 बचेगा, 70 का आंसर होगा बी, 17 का बी होगा। 18 किसी चीजल का पॉइंट एंगल निर्भर करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चीजल का पॉइंट एंगल निर्भर करता है, बॉडी की लंबाई पर नहीं, हेड की चौड़ाई पर नहीं, कटिंग एज की लंबाई पर नहीं, चिपिंग की जाने वाली मटेरियल पर निर्भर करता है, 18 का डी होगा। 19 अगर क्वेश्चन देखिएगा, चीजल निम्न अवस्था में नहीं धंसेगा, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन को पढ़िए, रेक कोण अधिक होने पर नहीं, कटिंग कोण अधिक होने पर नहीं, क्लीयरेंस कोण कम अर्थात शून्य होने पर, ठीक है, 19 का सी होगा। 20 अगर क्वेश्चन देखिएगा, तो फ्लैट चीजल का कटिंग एज होता है, सीधा होता है, हल्का गोलाई के लिए होता है, टेपर होता है, इनमें से कोई नहीं, तो हल्की गोलाई में होती है, फ्लैट चीजल का कटिंग एज हल्की गोलाई में होता है, 20 का बी होगा। 21 अगर देखिएगा, निम्न में से किस चीजल को हार्ड एंड टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो 21 का डी होगा, हॉट चीजल, हॉट चीजल को हार्ड एंड टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है, 21 का डी होगा। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लैट चीजल का की कटिंग एज में हल्की गोलाई देने का क्या कारण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्की गोलाई रहता है तो क्यों देते हैं, तो 22 का ऑप्शन को पढ़िए, गोलाई ग्रूव बनाने के लिए नहीं, शार्प कॉर्नर काटने के लिए नहीं, कॉर्नरों को मेटल में धंसने से बचाने के लिए, सही है, 22 का सी ही आंसर होगा। 23 देखिए क्वेश्चन, चीजल से काटते समय कटिंग कोण कहाँ होता है, तो चीजल से काटते समय कटिंग कोण कहाँ पर होता है, ऑप्शन को पढ़िएगा, तो डी ऑप्शन होगा, कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य होगा, 23 का डी। 24 चिपिंग करते समय दृष्टि होनी चाहिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, तो कटिंग एज पर होनी चाहिए, 24 का सी। 25 एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए, तो एल्युमिनियम में 30 या 35 देता है, 30 है तो 30 ही मारेंगे, 35 जिंक के लिए होता है, अगर नहीं ऑप्शन है तो 35 भी चलेगा, 25 का डी होगा। 26 कास्ट आयरन के लिए कटिंग कोण कितना होना चाहिए, तो कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री होता है, 26 का सी। मैं बता दूं, माइल्ड स्टील 55 डिग्री, कास्ट आयरन 60 डिग्री, एल्युमिनियम 30 डिग्री, यह तीनों बहुत बीबी है, ये तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। 27 चीजल से काटते समय रेक एंगल कहाँ होता है, तो चीजल से काटते समय रेक एंगल जो होता, ऑप्शन को पढ़िए, कार्यखंड के लंबवत लाइन तथा कटिंग एज की ऊपरी सतह के मध्य, सही है, यही होता है, 27 का यही होगा। 28 चीजल से काटते समय कारखंड के ऊपरी सतह तथा कटिंग एज के निचली सतह के मध्य के कोण को क्या कहते हैं, क्लीयरेंस एंगल, क्लीयरेंस कोण कहते हैं, 28 का बी होगा। 29 अगर क्वेश्चन देखिएगा, मुलायम धातु चमड़ा रबर आदि को काटने के लिए किस चीजल का उपयोग करते हैं, तो 29 का बी होगा, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। 30 जो कह रहा है, चीजल से काटते समय क्लीयरेंस कोण कहाँ होता है, तो चीजल से काटते समय क्लीयरेंस कोण जो आपको होता है कारखंड के ऊपरी सतह तथा कटिंग एज के निचली सतह के मध्य होता है, 30 का बी होगा। सेट नंबर 2 में भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ लेते हैं अभी।
जैसे सेट नंबर टू में क्वेश्चन करा है, चीजल से चिपिंग के बाद सतह को फिनिशिंग करने के लिए क्या किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, फाइलिंग किया जाता है। चीजल से चिपिंग करने के बाद कौन सी क्रिया किया जाता है? फाइलिंग किया जाता है। वन का बी। टू नंबर, चीजल प्रायः किस सेक्शन में होता है? तो ऑक्टागोनल, स्क्वायर, हेक्सागोनल। देखिए ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल ज़्यादातर कहीं कहीं देते हैं, ऐसे दोनों अगर दे दे और डी ऑप्शन ए और सी ना दिया हुआ रहेगा तो हेक्सागोनल होगा, टू का सी होना चाहिए। थ्री, किस वेल्डेड जोर की चिपिंग करने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है? वेल्डेड जोर को चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का, जनरल पर्पस में फ्लैट चीजल ही प्रयोग करते हैं। फोर, माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए चीजल कटिंग कोण कितना होना? 55 डिग्री, ऊपर बताए भी थे। और फाइव नंबर, कॉपर के लिए चीजल का कितना होता है? तो 45 डिग्री, कॉपर के लिए 45। और ब्रास के लिए आपको कितना होता है? तो ब्रास के लिए जो आपको होगा वह 50 डिग्री होता है। मैं बता दूं, 60 डिग्री कास्ट आयरन, 55 डिग्री माइल्ड स्टील, 55 डिग्री माइल्ड स्टील, 50 डिग्री ब्रास, 45 डिग्री कॉपर, 35 डिग्री जिंक और 30 डिग्री एल्युमिनियम। क्या यह आपका होता है? एक क्वेश्चन आपको सेट में नहीं दिया हुआ है, वो मैं बता दूँ, चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस कितना होती है? अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस कितना होता है? तो 53 से आपको 59 एचआरसी होता है। एचआरसी जानते ही हैं, आर से रॉकवेल हार्डनेस, रॉकवेल, एच से हार्डनेस, सी से सी स्केल होता है। ठीक है, यह आपको फीटर टेट का टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज 6000 है, उसमें कटिंग टूल का आपको चीजल का डिस्कशन हमने किया है। अगर आपको यह सेट पीडीएफ के रूप में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करिए, आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय।